इस तरह कलवा कौवी घर छोड़ के वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी चिड़िया के कहे मुताबिक वह कबूतर मौसी के घर में रुक जाती है। तब कुछ दिन बीत जाते हैं। कलवा कौवा होटल का खाना खा खा के परेशान हो चुका होता है और वह बोलता है, आखिर ये कलवा कौवी कहाँ चली गई? मुझे तो लगा था कि गुस्सा होके गई है, एक दो दिन में तुरंत वापस घर आ जाएगी, पर इतने दिन हो गए अभी तक घर में नहीं आई है। अरे क्या हो गया है? कंडा है तो टूटा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर नहीं, उसको तो अपने नखरे दिखाने हैं, मैं भी नहीं जाऊंगा उसे मनाने के लिए कहीं। पर क्या करूं यार, होटल का खाना और कितने दिन तक खाऊंगा? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है होटल का खाना खाने से। अच्छा आज चलता हूँ मार टुनटुनी चिड़िया के यहाँ खाना खाता हूँ, फिर देखता हूँ। टुनटुनी चिड़िया, आज मैं तुम्हारे घर पे खाना खाने के लिए आया हूँ, चलो जल्दी से मेरे लिए अच्छे अच्छे भोजन बना के खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकती कलवा कौवा, क्योंकि मेरे घर पे दाल चावल दोनों ही खत्म हो गए हैं। मैं खुद होटल में जाके भोजन कर रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकती। और मेरे पास एकत्रित अभी धन भी उतना नहीं है कि मैं भोजन खरीद सकूं। क्या कहा तुमने? अरे तुम्हारे घर आए मेहमान को कोई ऐसे कहता है? तुम में तो थोड़ी सी भी इज्जत ही नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रुक अभी मैं तुझे बताता हूँ टुनटुनी। इस तरह कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया को मारने लगता है और वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया अगले दिन जाती है और जाकर के उस होटल वाले से बोलती है, अरे भैया कलवा कौवा को आप भोजन देना बंद कर दीजिए, वह पूरे जंगल में सभी पंछियों को बहुत परेशान करता है। मैंने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है, आप उसे भोजन देके हमारे प्लान को बर्बाद कर रहे हैं। आप कलवा कौवा को भोजन मत दीजिएगा। अरे टुनटुनी, कलवा कौवा से तो मैं भी परेशान हो चुका हूँ। मैंने खुद सोच रहा था कि अगले दिन से कलवा कौवा को भोजन नहीं दूंगा। वह यहाँ पे आता है, भोजन करता है और दूसरे पंछी जो भोजन करने आए होते हैं उन सबसे झगड़ा लड़ाई करता है और मुझे पैसे भी कभी कभी नहीं देता, मुझे बहुत डांटता है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो बहुत सुनने को मिलता है मुझे। इसलिए मैं खुद सोच रहा था कि कलवा कौवा को भोजन नहीं दूंगा। अब कल से मैं कलवा कौवा को भोजन दूंगा ही नहीं। जब कलवा कौवा भोजन करने के लिए ढाबे पर आता है तब वह बोलता है, कलवा कौवा आज भोजन नहीं है मेरे पास, तुम जाओ जाकर कहीं और से भोजन कर लो, मैं तुम्हें और भोजन नहीं दे सकता, है ही नहीं मेरे पास भोजन, मैं कहाँ से दूंगा। तुम जाओ कहीं और अपना बंदोबस्त कर लो और कल से मेरे दुकान पे खाना खाने के लिए भी मत आना। इतना सुनते ही कलवा कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है और वह पूरी रात बिना खाए ही सोता है। अगले दिन जब वह खाना खाने के लिए कहीं भी जाता है सभी लोग उसे मना कर देते हैं। फिर वह परेशान हो जाता है और सोचता है, अरे क्या करूं यार, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? सभी लोगों ने मुझे खाना देने से मना कर दिया है, अब मैं क्या करूं? मैं सोच रहा था जाऊं और कलवा कौवी को वापस लेके आता हूं, उसे मनाऊंगा, उसे बोलूंगा मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, वह जरूर मान जाएगी और वापस आ जाएगी, वह वापस आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह वह कलवा कौवी के पास जाता है और बोलता है, कलवा कौवी चलो वापस घर चलो, मैं तुम्हारे बिना अब और नहीं रह सकता, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, कोई मुझे खाना खाने के लिए भी नहीं देता है और ना ही कोई मुझे अपने घर में रखना चाहता है, मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब मैं और अकेले नहीं रह सकता, तुम्हारी बहुत याद आती है, चलो वापस चलो, मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा और जंगल के किसी भी पंछी को कभी भी परेशान भी नहीं करूँगा, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही करूँगा कलवा कभी, चलो वापस चलो। देखो कलवा कौवा, यही बात तो हम सभी लोगों ने तुमसे बहुत पहले ही समझा रही थी कि गुस्सा हमेशा नुकसान ही करता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर तुम थे कि कभी मानते ही नहीं थे, इसीलिए मैंने घर छोड़ के भागा ताकि तुम्हें कुछ समझ में आए। अब तुम्हें अकल ठिकाने आ गई है तो चलो चलते हैं वापस घर और फिर से पहले की तरह रहते हैं। पर याद रखना,
अगर तुमने जरा सी भी गुस्सा किया तो मैं वापस अपने यहाँ पे आ जाऊंगी और कभी वापस नहीं जाऊंगी। फिर तुम सारी जिंदगी होटल का ही खाना खाते रह जाओगी।